लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बंधा गया। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। मालो जर भी मिले और मकान दहेज में, मांगते हैं जमीन आसमां दहेज में। रिश्ते नातों के होते हैं सौदे यहाँ, पांव पे गिर गई पगड़ियां दहेज में। रस्म के नाम पे धर्म के नाम पे दाता बिकता है बोलो खरीदोगे। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। लेके आई है मन में उमंगे नई, रूप है चांदनी रंग है चंपई। हीरे मोती में ढूंढे मोहब्बत पिया, सेज दुल्हन की पल में चिता बन गई। जी रहा है पति हो गई वो सती, रिश्ता बिकता है बोलो खरीदोगे। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। अलग दुल्हनों की चढ़ेगी बलि, मसली जाएगी कब तक ये नाजुक कली। ये है बेटी तेरी ये तेरी बहन है, राम गोपाल हो या शराफत अली। सब है बहरूपिये इनसे ये पूछिए, सपना बिकता है बोलो खरीदोगे। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। भैया क्या ये सच है? क्या सच है? जो रजनी कहती है। रजनी क्या कहती है? जो सच है। सच ए शनि मंगल, आज तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गई। लेकिन भैया इस बार तो हमने निशाना बिल्कुल सही मारा है। अच्छा पद्मा है रजनी, मैं देखती हूँ है, आँखों में इंतजार है, सचमुच कोई मिलने को बेकरार है। बाबा रे धक 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 बड़ी तेज रफ्तार है। हाँ भैया प्यार का बुखार है। कौन है, कैसी है, किस कॉलेज में पढ़ती है? ए चलो जाने दे मुझे। भैया रहती कहाँ है, नाम क्या है? तुम्हें नाम से क्या लेना, और तुम्हें बताने में एतराज क्या है? तो बता दूं, छोटी वाली का या बड़ी वाली का? बाबा रे तो दो है। एक का नाम है फूलों की रानी, और दूसरी का नाम है बारों की मलिका। वाह वाह चंगा है ना, फैंटास्टिक, अच्छा है ना, सुपर। तो फिर खेलो। अरे अभी तक तुम यहीं हो, नीचे चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। मामा नहीं, नहीं माँ चाय नहीं माँ, दरअसल मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई इंतजार कर रहा है।
कर रहा है? अरे नहीं माँ, इंतजार कर रही है। हाँ माँ, भैया किसी बाहरों की मलिका से मिले। भैया अपनी फूलों की रानी को हमारी नमस्ते कहना और मेरा प्यार भी। कुछ हुआ? जरूर। बाय माँ। बाय बाय। चमगादड़। क्यों भाई, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? जी हम जा वो आपने हेडफोन सोसाइटी की मीटिंग है ना, वहां जा रहा हूं। पहले मीटिंग है, उसके बाद में पार्टी है, 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो शैला, लगता है तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो। तुम ठीक 4:30 बजे आ गई थी। बहुत नाराज हो क्या? होना ही चाहिए, गलती जो मेरी। लीजिए मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। मैं बात बदलना खूब जानते हो। आज बात क्या, आज तुम नाम ही बदल चुके हैं। अरे मेरा मतलब तुम्हारा, जानती क्या नाम रखा है? फूलों की रानी। तुम नाम लेते रह जाओगे और भैया उस फूल वाले से मेरी शादी कर देंगे। कौन कौन फूल? अरे वो सुरेंद्र। हाँ, आज वो फिर फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। देखो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, उसे एक आइडिया दो। ये फूलों के गुलदस्ते से कुछ नहीं होने का। तुम उसे कहो कि मुझे गोभी के फूल बहुत पसंद है। उसे क्या हुआ कि हफ्ते दो हफ्ते की सब्जी खा रहा है। मजाक मत समझो दीपक, भैया मेरी शादी के बारे में बहुत सीरियस है। और फिर कौन भाई अपनी बहन को ज्यादा देर कुंवारी रख सकता है? मैं भी आखिर कब तक टालूंगी? देखो शाला, मैं अपनी बीवी को अपनी कमाई के बलबूते पर रखना चाहता हूँ, और जब तक मेरा काम जम नहीं जाता तब तक हमें रुकना पड़ेगा। नेड भी चाहते हैं और एक बड़े भाई के होने की हैसियत से मेरा भी यही फर्ज है कि रजनी और पद्मा की शादी पहले हो। ये तो और 2-3 साल का प्रोग्राम है। हाँ, और 2-3 साल तक तो तुम मेरा इंतजार कर ही सकती हो। नहीं क्योंकि उस भोंदू से शादी करने से रहे। क्यों, तुम्हें वो भोंदू नजर आता है? तुम्हें पसंद है? बुरा भी नहीं। हाँ। पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी, सीधा साधा, शरीफ और देखने में भी काफी खूबसूरत है। तो फिर देर किस बात की है, जाकर शादी कर लो ना। वो ही सोच रही हूँ, 2-3 साल और कौन इंतजार करेगा। और शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्यों ना सुरेंद्र से ही। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, वैसे भी उससे अच्छा लगा तुम्हें और कोई मिलने का नहीं, समझे? जाकर अभी उसके गले में हाथ डाल दो और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। कहाँ जाते हो, रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम, देखो मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो। I'm not afraid.
अधूरे तुम, तुम्हारा प्यार भी आधा। हमारे बिन तुम्हारे प्यार का आधार भी आधा। तो आओ दिल मिला के आज हम एक जान बन जाए। मोहब्बत करने वाले तो नहीं करते भरम, देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ तुम्हें मेरी कसम, देखो मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ। गुड मॉर्निंग शाला जी। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए। क्यों पैसे जाया करते हैं आप? पैसे जाया करने की बात नहीं है, ये तो यू नो ऊपर मेज पर रख दीजिए। बाय बाय। भाई आ रहा हूं। हेलो भाई साहब। शैला तो अभी नीचे गई, तुम्हें मिली नहीं? जी मिली। और ये गुलदस्ता मेज पर रखने को कहकर चली गई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। डैडी कैसे? एवरीवन इज फाइन सर। गुड, बैठो। माता जी से बात की? दरअसल बात ये है भाई साहब कि अपनी शादी की बात अपने मुंह से करना समझा। एक्चुअली मैं आप तीनों को अगले इतवार खाने पर बुलाने आया। खाने के लिए माजी से बात कर ली? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नहीं की है तो कर लेगा, उसमें क्या है। चलोगे? जी नहीं शुक्रिया। तो अगले संडे मैं आप सबका अपने घर पर इंतजार करूंगा। हाँ हम जरूर आएंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। तुम्हारे डैडी मम्मी को हमारा नमस्ते कहना। राइट सर। गुड डे सर। गुड डे। आप क्यों सुरिंदर से शादी की बात चला रहे? इसलिए कि दीपक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शैला को सुरिंदर पसंद नहीं? वो आने वाला था इसलिए शैला सुबह सब घर से चली गई। वो बेवकूफ है। मैं आपसे पूछती हूँ कि शादी आपको करनी है या शैला को? मेरा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ भाई, उसका भला सोचना मेरा फर्ज है। एक बात सुन लो, अव्वल तो दीपक शैला से शादी करेगा नहीं, और अगर ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो बहुत बड़े अमीर बाप का बेटा है, और ऐसे बेटे अक्सर लापरवाह गैर जिम्मेदार होते हैं, खास तौर से लड़कियों के मामले में। आज बलवान जी आप तैयार हैं? मैं रेडी हूँ सर। जैसे बुलाएगा दोनों हाथों से पकड़ूंगा और बोलूंगा ये सर। वेट 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 वेट, ये लो हाथ में। ये सारा कमाल सुप्रीम बुल पावर टोनिक का है। गुड। हंसना जोर से। अब उस्ताद तेरा बैल तैयार है? यस सर, बैल एकदम ट्रेंड है, सीधे पहलवान के पास से जाएगा। शाबाश, जरा सिंग मार के। हाँ साहब। गुड अडानी, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? चलो दोस्त। सुप्रीम बुल पावर टॉनिक शॉट वन टेक वन एक्शन। अरे बैठ चलो, कम ऑन बैठ चलो भाई। अरे ये तो मेरे ऊपर है। जल्दी कहना सवाल, जल्दी कहना सवाल। देखते देखो, अरे भाड़ ये तो मेरी दुश्मन है। आई मैं अपनी निकल तार के फेंक दे, लाल रंग के पीछे बैल भाग रहा है। ले बैल पहन ले जल्दी।
शुक्र अल्लाह। अरे भाईजान, अरे भाईजान, कोई तवाल तो फेंको बाहर, कैसे आऊ? तवाल तवाल फेंको। वाह भैया वाह, क्या पोज दिया है तुम्हें, तो फिल्म इंडस्ट्री में फाइट मास्टर होना चाहिए था। ये देखो, मैं देख चुका हूँ। माँ, कल भैया ने जुहू बीच पर सैकड़ों लोगों के सामने एक बैल से लड़ाई की। क्या? नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। मैं तो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। चुप। वो तो बैल ने अनवर पर हमला कर दिया। हाय राम, उसे चोट तो नहीं आई? नहीं, बैल को कोई चोट नहीं आई। शैतान, मैं बैल का नहीं अनवर का पूछ रही हूँ। माँ, अनवर भैया डर के मारे समुद्र में कूद पड़े। बोल, तू ऐसी फिल्में क्यों बनाता है जिसमें जान का खतरा हो? जानवर का क्या भरोसा, कहीं तुझ पर हमला कर देता तो मैं भी समंदर में कूद जाता। सुनिए जी, अपने पास काम की कोई कमी है क्या? आप दीपक को अपने साथ क्यों नहीं रखती? मेरे ख्याल में परिवार को एक ही बिजनेस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दीपक का अपना बिजनेस है, ये बहुत अच्छा है। और फिर ये अखबार वाले बढ़ा चढ़ा के बातें लिखते हैं। कौन है ये रिपोर्टर? शैला ठाकुर। लो, एक तो रिपोर्टर, वो भी लड़की, दो की चार लिखी होंगी उसने। जनरे, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्या राय है? बाय 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 बाय। कहने को तो मैं सौतेली हूँ, लेकिन जिस तरह आपको उसकी कोई फिक्र नहीं, उससे तो लगता है मैं सौतेली माँ नहीं, आप सौतेले बाप हो। और फिर क्या कहा डैडी ने? कहना क्या था, बोले एक तो प्रेस रिपोर्टर, ऊपर से लड़की, दो की चार लगाएगी। झूठ बोल रहे हो। आप यहाँ कैसे? ये तुमने स्विमिंग कब से शुरू कर दी? ना तो काफी दिन हो गए। अच्छा, अच्छी रौनक है यहाँ। अच्छी रौनक तो रोज आते हैं यहाँ? दिन में कभी कभी। अकेले या कोई साथ है? अकेला, बिल्कुल अकेला। स्विमिंग में साथी की क्या जरूरत है, मगर जिंदगी में तो एक आध साथी होना ही चाहिए, सुख दुख बांटने के लिए। मैं किसी से मिलने के लिए आया था। अच्छा, लगता है वो आया नहीं। नहीं आया? खैर, मैं फोन कर लूंगा। डैडी, एक कप चाय? नहीं नहीं, एक कप। अरे वो शैला मैम साहब कहाँ है? वो तो बाहर है साहब। बाहर कहाँ? अपना स्कूटर स्टार्ट करके गई। क्या, चली गई? डैडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। फिल्में बनाने वालों के लिए झूठ बोलना जरूरी है क्या? जी, मैं समझा नहीं। स्विमिंग पूल पे तुम अकेले जाते हो ना? जी हाँ। फिर झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे साथ एक लड़की थी, कौन थी वो? वो शैला ठाकुर, प्रेस रिपोर्टर है। सिर्फ प्रेस रिपोर्टर? जी नहीं, मेरी दोस्त भी है। कब से? यही कोई तीन चार साल से। स्विमिंग पूल पे भी तीन चार साल से जा रहे हो? जी। इसका मतलब है जहां से शुरू हुए थे अभी तक वहीं हो, यानी स्विमिंग पूल पर। कल उसको यहां ले आना। मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। ओ डैडी, थैंक यू वेरी मच डैडी। कब शादी करना चाहते हो? डैडी, शादी तो पहले पद्मा और रजनी की होगी, उसके बाद मैं करूंगा। जीते रहो बेटा, तुमने मेरे दिल का बहुत हल्का कर दिया। बिजनेस तो तुम जानते हो बेटा, ऊपर नीचे होता रहता है, और फिर जिंदगी भी कब तक है कौन जानता है। ऐसा क्यों सोचते हैं बेटी? सोचना पड़ता है बेटे, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मां बाप की मौत के बाद जब मेरी इकलौती बहन तुम्हारी बुआ की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ पड़ी, हम लोग बहुत गरीब थे। हमने उसकी शादी की बहुत कोशिश की, बड़े रिश्ते तय किए, लेकिन हर रिश्ता दहेज की वजह से टूटता गया। मेरी मजबूरियां बढ़ती गईं, रिश्ते टूटते गए, और लक्ष्मी की उम्र 3 साल में जैसे 30 साल की हो गई हो। फिर एक दिन ये सोच करके, शायद वो मुझ पे बोझ है, उसने आत्महत्या कर ली।
पास मत ध्यान बेटा। बेटा मुझे डर है जैसा जैसा मेरी बहन के साथ हुआ है कहीं तुम्हारी बहनों के साथ ना हो। डैडी कैसी बातें कर रहे हैं, किस चीज की कमी है हमारे यहां? अगर आप कहें ना तो कल ही उन दोनों की शादी पक्की कर दो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा, मैं जानता हूं तुम सब संभाल लोगे, सब संभाल लोगे तुम। ना बाबा ना, बहुत जिद्दी लड़की, कितना कहा कि दीपक 3 दिन से रोज आ रहा, एक बार तो मिल लो, मगर नहीं। नहीं मानते? नहीं। तो ठीक है भाभी, मैं भी उससे बिना मिले नहीं जाऊंगा। आप देखिए अब शला, जिस आदमी में सच बोलने की हिम्मत ना हो वो क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा? लेकिन सुनो तो, क्या मैं इतनी गई गुस्सी हूँ कि अपने डैडी से मिला था तुम्हें शर्म आती है? उन्हें मिलाने का मौका ही कब दिया? मौका दिया नहीं जाता, मौका छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए भी हिम्मत हौसला और दिलेरी चाहिए जो तुम्हें नहीं है। देखो अगर तुम हौसले की बात करती हो तो मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता। जान देने के लिए भी हिम्मत चाहिए? ठीक है, सुरंग के पास वाली पहाड़ी के ऊपर से मैं कूदने जा रहा हूं और नीचे तुम्हें मेरी लाश मिलेगी, समझी? बाय बाय। तो गुस्से में यूं ही कह दिया था और तुमने सचमुच जान दे दी, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूं? ला 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 ला, हो प्यार की थी ये अदा, यारा तुम डर गए, बाखुदा ये खेल था तुम समझे मर सनम, देखो जिंदा है हम, देखो सनम, देखो जिंदा है हम, प्यार गीत ये अदा, यारा तुम डर गए। अश्कों में हम
बह जाए ना, बहते बहते अश्कों में हम। अच्छा वो आप आ गए साहब। क्यों? सब लोग बड़े साहब को लेकर अस्पताल गए। हॉस्पिटल? क्या हुआ डैडी को? दिल का दौरा पड़ा साहब। ओह गॉड। डैडी दीपक, दीपक मैंने इसलिए तुम्हें यहां अकेले बुलवाया है कि कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हारी तुम्हारी मां और बहनों के सामने नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन्हें बाहर भेज दिया है। कहिए डैडी क्या बात है? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं। डैडी प्लीज आप ऐसी बात मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे डॉक्टर साहब डॉक्टर यूं ही झूठी तसल्ली दे रहे हैं बेटे। आज जो मेरा बिजनेस है वो मेरा नहीं है। क्या मतलब? बंगला, कारें, दफ्तर सब मैंने गिरवी रखे हुए हैं। गिरवी? मगर क्यों डैडी? लालच, दौलत की लालच में मैं शेयर बाजार का सटक खेलने लग गया था। अमीर से और अमीर बनना चाहता था लेकिन भिखारी बन गया। मां को मालूम है ये सब? नहीं, उसे बताना भी नहीं, वो वैसे ही दिल की बीमार है। दिल को लगा लेगी तो तुम्हारे लिए और मुसीबत बन जाएगी। रजनी और पद्मा की शादी जरूर करवा देना बेटे, मैं जानता हूं वो तुम्हारी सौतेली बहनें हैं लेकिन डैडी मैंने कभी उन्हें सौतेली बहनें समझा है। नहीं नहीं बेटे, फिर भी उनके हाथ पीले करना मेरा फर्ज था जो अब तुम्हें निभाना पड़ेगा। कैसे कैसे निभाओगे तुम? नहीं प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। बेटे मेरे पास सिर्फ यही बचा है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। डैडी डॉक्टर साहब, Thank you.
नहीं वकील अंकल, माँ को पहले एक हार्ट अटैक हो चुका है, किसी भी हालत में उनको सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। वो तो पता चलने वाला ही है दीपक, जब ये मकान नीलाम होगा तो क्या। आहिस्ता प्लीज, आहिस्ता बोलिए। वकील साहब, कैसे भी करके 6 महीने के लिए इस नीलामी को रोक लीजिए। डैडी की आखिरी ख्वाहिश थी रजनी और पद्मा की डोली इस घर से उठे। मैं कैसे भी करके 6 महीने के अंदर इनकी शादी का इंतजाम कर लूंगा, फिर हमेशा के लिए मां को साथ लेकर यहां से चला जाऊंगा। वकील अंकल, डैडी आपके दोस्त थे, ये हमारी इज्जत का सवाल है। 6 महीने कुछ ज्यादा देर तो नहीं, क्यों मिस्टर मैरा? देख लीजिए बेटे, 6 महीने से ज्यादा ना लगे वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। हाँ, आखिर ये कानूनी मामला है ना। थैंक यू वेरी मच अंकल। ऑलराइट, एक बात और, इस बात का मां को और किसी भी घर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। दैट यू डोंट वरी। मां भी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। पता चला आप लोग आए हैं तो मिलने चली आई। दीपक के डैडी के बाद सारी जिम्मेदारी दीपक पर आ गई है, आप लोग हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन दीपक के लिए इतना बड़ा कारोबार संभालना, अभी इसे कोई तजुर्बा भी तो नहीं। हाँ, फिक्र न करें भाभी जी, दीपक बड़ा होनहार बेटा है, सब संभाल लेगा। इसके डैडी थे तो कारोबार के बारे में हमने कभी कुछ जानने की, कुछ समझने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं की, लेकिन आप अपने जीते जी अगर वो बेटियों की शादी कर जाते तो भगवान के खेल ही निराले हैं। दिल की बीमार मैं और बुला लिया उन्हें। माँ, माँ, रजनी और पद्मा की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, डैडी सब इंतजाम करके गए हैं, पूछो ना अंकल से। क्यों अंकल? जी हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें भाभी, आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो आप दीपक जैसे बेटे की मां हैं, दुख का साया भी ना पड़ने देगा आप पर। अच्छा बेटे। थैंक यू अंकल। भाभी हम चलते हैं। कम मिस्टर बैरा। बाय मिस्टर दीपक। नमस्ते जी। अच्छा अच्छा, भैया क्या? हाँ पहुंचा बिल्कुल। हेलो हेलो दीपक। हेलो अंकल। बैठो 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 बैठो। कैसे आना हुआ अंकल? वो वकील साहब ने बताया था कि आपका बेटा गिरीश अमेरिका से वापस आ गया। हाँ, वो रेडियोलॉजी का कोर्स करने गया था, बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होकर आया। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, हिम्मत करके एक बात कहने आया हूँ। हाँ कहो कहो। मेरी 2 बहनें हैं, मैं चाहता हूँ उनमें से एक की शादी गिरीश के साथ हो जाए। ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बात कहना चाहूंगा, हमारे खानदान में एक रीत चली आ रही है, ना तो हम दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। ये दहेज तो समाज का दुश्मन है, एक जहर है, सोसाइटी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मैं खुद इस बीमारी के खिलाफ हूँ, मेहरबानी करके आप दहेज का नाम मत लीजिए मेरे सामने। वाह डॉक्टर साहब वाह। भाईजान, अपन के मुल्क को आप जैसे लोगों की जरूरत है। जरूरत है अनवर भाई, मुल्क को भी है, आपको भी है और मुझे भी है। अब देखिए ना, गिरीश की पढ़ाई पर मेरा 2 लाख खर्च हो गया। अब बिजनेस शुरू करने के लिए उसे रुपया चाहिए, वही एक्सरे मशीन खरीदेगा, दुकान के लिए कोई अच्छी मौके वाली जगह लेगा, 25-50 तो लग ही जाएंगे। आप तो जानते हैं रिटायर कर गया हूं, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गिरीश को जो लड़की देगा वो अपनी लड़की का सुख भी तो देखेगा। क्या आप अपनी बहन को सुखी देखना नहीं चाहते? कल अगर आप गिरीश को कोई दुकान खरीद देते हैं, कोई एक्सरे मशीन खरीद देते हैं, तो क्या वो सिर्फ सिर्फ गिरीश के लिए? नहीं 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 नहीं, ये तो आप अपनी बहन का सिर्फ सुख देखने के लिए करेंगे। क्यों? मैं समझता हूं डॉक्टर साहब,
अपन भी समझ गया। ये ना समझना कि मैं दहेज मांग रहा हूँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी बहन को सुखी देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपके पास सोच कर आता हूँ। गिरीश के रिश्ते के लिए बाहर से काफी दबाव है, इसलिए जरा जल्दी बता देना मुझे। जी हाँ, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। ये फोटो देखिए, ये दोनों मेरी बहनें हैं, मुझे इनके लड़कों की तलाश है। जी, लड़कियां सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं और सुशील भी, और पंडित जी है भी ऊंचे खानदान की। तस्वीरों के पीछे इनकी डिटेल्स और पते लिखे हैं। योग लड़कों के मिलने पर आपको चिट्ठी लिखी जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, क्या ये लड़कों की तस्वीरें हैं? हाँ माँ, ये सब लड़कों की तस्वीरें हैं, और इन सब के पीछे इनकी घरेलू जानकारी भी लिखी है। ऐसा करते माँ, ये तस्वीरें इनको दिखा देते हैं, जो भी इन्हें पसंद हो बता दें, हम चल के बात कर लेंगे। क्यों नहीं अजीन, तुम लोग? ना, मुझे नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, अरे तो फिर पदमा तो तुम देखो। भैया क्या आप लोगों ने कोई स्वयंवर अचानक अदा कर रखा है क्या? यूं क्या होता है माँ? माँ ने समझा दे, कल तक अपनी पसंद बता दे। अरे भाई के होते हुए ये क्या अपनी पसंद बताएंगी? जो लड़के हर लिहाज से अच्छे लगे वही बात चला लेना। चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अरे मैं सुन तो, मैं भैया आप हमसे बड़े हैं ना? और शादी ब्याह में बड़ों की राय के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यस भैया, माँ आपसे बड़ी है ना? बिल्कुल बड़ी है। तो फिर आपने माँ से पूछे बिना शैला कैसे पसंद की? बोलो बोलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप दोनों ने अपनी अपनी पसंद करके देख लिया? नो प्रॉब्लम है, अभी नहीं, हम तो अभी टांग खींच रहे थे। हाँ भैया, तो आप मेरी टांग खींच रहे हैं? ठीक है, मैं आपकी। तो ये देखने गई थी कि तू वहाँ क्या करने गई थी। ओह मिली, क्या? अरे बन मत, मैंने फोटो वाला लिफाफा पहले ही देख लिया था। बत्ती जलाऊं? जा। पद्मा तुम उससे बड़ी है ना, पहले तू पसंद कर ले। ओह थैंक यू। मुझे तो ये पसंद है, दिखा। शिव सुंदर MBA USA। आजकल के जमाने में मूछे चढ़त ये तो मत की निशानी है, मुझे यही पसंद है। सच? तो क्या जिनकी मूछे नहीं होती वो मर्द नहीं होते? चल बड़े बेवकूफ है, अब तू पसंद कर। मैंने तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। देखूं तो देख। राम प्रसाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा है, तेरे घर की बिजली कभी खराब नहीं होगी। और फिर राम का प्रसाद है, सुबह शाम खाते रहना। अरे तूने दरवाजा नहीं बंद किया, जा और बत्ती भी बुझा दे। अच्छा भैया, टोस्ट ठंडे हो रहे, जल्दी आ जाओ। ये मखन किसने लगाया? मैंने, इसने कम लगा था, मैंने डबल कर दिया। गुड माँ, कुछ समझी है? डबल डबल मस्का क्यों लगाया जा रहा है? नहीं नहीं समझी, मैं बताता हूँ। आपने इन दोनों के लिए लड़के चुनने का फैसला मुझ पर छोड़ा था, इसलिए। तो ठीक है,
सबसे पहले हम अपना फैसला सुनाए देते हैं। मां, पद्मा के लिए ये रामप्रसाद जी बहुत उचित रहेंगे। इनके मूंछें नहीं है और पद्मा को शायद मुझे पसंद भी नहीं। और रजनी के लिए? हाँ, रजनी के लिए भी हैं। ये शिव सुंदर जी बहुत ही उचित होंगे। क्या रौबदार मूंछें हैं, देखो ना। आप दोनों ने इस तरह मुंह क्यों लटका लिए? भाई मैंने तो अपनी पसंद ही बताई है, कोई शादी तो नहीं करवा दी? तुम दोनों को इनमें से कोई पसंद नहीं? वो बात नहीं है भैया, तो फिर बोलती क्यों नहीं? हाँ, बोलती क्यों नहीं? ओ, शर्माती है बेचारी। ना 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 ना, ना। बात दरअसल कुछ और ही है। सुंदर MBA USA। अरे आजकल के जमाने में मूछे, अरे ये तो मर्द की निशानी है। मुझे तो यही पसंद है। सच तो क्या जिनकी मूछे नहीं होती वो मर्द नहीं होते? चल बड़ी बेवकूफ है, अब तू पसंद कर। मैंने तो एक ही नजर में पसंद कर लिया था। देखो तो राम प्रसाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा है, तेरे घर की बिजली कभी खराब नहीं होगी। और फिर राम का प्रसाद है, सुबह शाम खाते रहना। बस भैया बड़े मीन हो तुम। ये भैया बहुत मीन हो तुम, चोरी चोरी टेप करते हो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटे, मिस्टर दीपक राय, मेरा बेटा शिव सुंदर। हेलो, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? तशरीफ रखिए, बैठो बैठो बैठो। सेठ जी, ये पद्मा की तस्वीरें हैं। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी बहन को देख चुका हूँ। जिस जमाने में तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी बंबई के शेरिफ थे, मैं अक्सर तुम्हारे यहाँ आया करता था। मम्मी कौन है? वो हैंडसम मैन मम्मी। ये अपनी बहन का रिश्ता शिव के लिए लाए हैं। मैं समझी, अपना रिश्ता मेरे लिए लाए हैं। चल हट, अंदर चल। ओफो। अच्छा मुझे याद दीजिए, मुझे जाना। क्या ख्याल है, अब दहेज की बात भी हो ही जाए? दहेज? हाँ, अरे भाई बगैर लेन देन के तो शादी ब्याह होते नहीं। घबराने की बात नहीं है, दहेज सिर्फ 2.5 लाख रुपए, तुम्हारे लिए तो बड़ी मामूली बात है। सेठ जी, दहेज देना मेरा उसूल नहीं है। दीपक, दहेज लेना मेरा उसूल है। बेटे तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। क्यों सिठानी, आज भी कोई गलती हो गई? कभी तुमने ठीक काम किया है? जब वो राजी ही नहीं तो क्यों दहेज लेने पर तुले हुए हो? बिना दाम के लड़के को दे दूं? तुम्हारे पिता ने भी 3 लाख में मुझे खरीदा था। हाय राम, तुम तो सठिया गए हो। दहेज के झगड़े को छोड़ो, लड़का बड़ा अच्छा है, उससे कहो कि हमारी सीमा को ब्याह कर वो अपने घर ले जाए और उसकी बहन को बहू बनाकर हम अपने यहाँ ले आएंगे, समझे? अच्छा सोचा। अच्छा सोचा। अच्छा। तो जाओ ना। अच्छा सोचा भाई, बड़ा अच्छा रास्ता निकाला है, तुम्हारा असूल ना टूटे और मेरी भी बात रह जाए। वो कैसे? भाई मैंने जो दहेज मांगा था वो क्या जेब में रखता, अपनी बेटी सीमा की शादी में दे देता। तुम सीमा से शादी कर लो, लेन देन पर खाक, मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए। सेठ जी वाकई आप सही फरमाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए सोचने के लिए। हाँ जरूर जरूर जरूर। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। देखो बेटे, मैं तुम्हारे खानदान की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं तुमसे बजाय 3 लाख के 2.5 लाख की कबूल कर लूंगा। मैं दहेज की रकम को ही बेजा समझता हूँ। दहेज की रकम हम बेजा नहीं लेते, अपने बेटों पर लाखों रुपए खर्च करके
हम उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि पराए घर की बेटियों को इज्जत और आराम की जिंदगी दे सके। अब देखो ना, मेरी अपनी बेटी है रीटा, कल मुझे उसकी शादी करनी है, उसकी शादी में मैं मुंह मांगा दहेज दूंगा। ये हमारे समाज की रीत है, इसलिए हम शादी ब्याह अपने बराबर की हैसियत वालों में ही करते हैं। माफ कीजिए, हम लोगों के ख्यालात मेल नहीं खाते। अगर आप इसी तरह दहेज लेने की जिद पर अड़े रहे तो मुझे अफसोस है, रजनी का रिश्ता रामप्रसाद से नहीं हो सकता। लेकिन बाबूजी रजनी मुझे। तुम चुप रहो। मिस्टर दीपक, आप ठीक कहते हैं, शायद भगवान को रिश्ता मंजूर नहीं। नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया आ गए। थैंक यू। क्या बात है बेटा, आजकल रोज देर से आने लगे हो। हाँ माँ, बुजुर्गों ने सही फरमाया है, जिनके घर लड़कियां पैदा हो जाती ना, जीना हराम। क्यों भैया, क्या हुआ? इनकी वजह से मेरे जूते घिस गए। इनके लिए लड़के देखने गया था, इनकी पसंद की। वाह 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 वाह, क्या पसंद है। इनके वो मुच्छों वाले ना, वो तो दीवार ही उनकी सुटक जाती है। जी हाँ, और वो राम प्रसाद जी हैं, वो बातें करते हैं और आंख दस बार मटकाते हैं। अगर मेरे ऊपर पसंद छोड़ी होती ना तो ऐसे लड़के ढूंढ लाता कि, मगर इन्हें तो शादी की जल्दी है, कैसे भी हो बस कर दो। रोने, हाँ मैंने किस किया मैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, समझे? ऐसे लड़के ढूंढ कर लाऊंगा कि जिंदगी भर दुआएं देती रहोगे। दीपक बेटा। हाँ माँ। तुम जो उन लड़कों के बारे में कह रहे थे, क्या वो सचमुच वैसे हैं? नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, लड़के तो अच्छे हैं, मैं अपनी बहनों के लिए इनसे भी अच्छे लड़के ढूंढूंगा। बेटे, अच्छे से अच्छे घर पड़े हैं, तुम कहाँ और कब तक ढूंढोगे? हम लोग बेटी वाले हैं, जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देना हमारा फर्ज बनता है। और फिर संजोग तो किस्मत से ही होते हैं, ऐसा ना हो कि अच्छे से अच्छा वर ढूंढते ढूंढते वक्त ही गुजर जाए। नहीं माँ। लड़कियां जवान भी जल्दी होती हैं और शादी ना हो तो बूढ़ी भी जल्दी होती हैं। माँ कैसी बातें कर रही हो? तुम कल ही जाकर बात पक्की कर लो। हाँ। तो क्या? मेरी मजबूरियां बढ़ती गईं, रिश्ते टूटते गए और लक्ष्मी की उम्र 3 साल में जैसे 30 साल की हो गई। और फिर एक दिन ये सोच के कि शायद वो मुझ पे बोझ है, उसने आत्महत्या कर ली। जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो तुम्हारी बहनों के साथ ना हो। ये तो बड़ी लफड़े वाली बात है भाईजान, दहेज के लिए इतना माल किधर से आएगा? यही तो परेशानी है अनवर, अगर एक बहन होती तो अपनी मोहब्बत का गला घोंट कर श्याम सुंदर की लड़की से शादी कर लेता। आइडिया,
ग्रेट आइडिया। भाईजान अपन तुमको ऐसी कौड़ी बताएगा कि दहेज का लफड़ा ही खलास। वो क्या है? तुम रीता और सीमा दोनों से शादी बनाएगा। दोनों से? तुम्हारा राधा तो जेल भिजवाने का। हाँ भाईजान, अपन शादी बनाने को किधर बोलता है, खाली पीली शादी का वादा करना, आई मीन झूठा प्रॉमिस, यू फॉलो मी। इस तरकीब से तुम्हारी बहन लोग का शादी हो जाएगा और अपनी शादी के लिए बोल देना डेडी की बरसी के बाद बनाएगा, और बरसी को जो टाइम है क्वाइट रीजनेबल भाईजान। वो तो ठीक है, लेकिन बहनों की शादी के बाद रीटा और सीमा से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? तुम तो खाली पीली परेशान होता है भाईजान। वो छोकरी लोग कोई लफड़ा वफड़ा किया तो आपन के पास और एक ऐसी कौड़ी है जिसको वापरने से वो दोनों तुमसे नफरत करने लगेगा। सचन, अगर तुम्हारी कौड़ी कहीं फेल हो गई और मेरी बहनें किसी मुसीबत में फंस गईं तो? अरे भाईजान, ऑन द कॉन्ट्ररी, शादी के बाद तुम्हारी बहनों का हस्बैंड लोग उनसे लोफ करने लगेगा। अरे भाईजान जरा सोचो, एक इंग्लैंड से दूसरा अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आयला है, और आजकल का पढ़ा लिखा छोकरा लोग दहेज के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ता। अरे भाईजान अभी जास्ती बस सोचो, हिम्मत है मर्दा मत दे खुदा। आज इस मोड़ पे जिंदगी आई है, आंसू डोली बने आह शहनाई है, बहन की जिंदगी लुट न जाए कहीं, धोखा देने पे मजबूर एक भाई है। ऐ जमाने बता ये है किसकी खता, वादा बिकता है बोलो खरीदोगे? बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली, अब कोई शुभ दिन देखकर शादी की तारीख भी पक्की कर लो। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन एक बात है। बोलो बेटा बोलो। सेठ जी आपको तो मालूम है डैडी की भी बरसी नहीं हुई, इसलिए मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं मेरी और सीमा की शादी की बात आपके मेरे बीच ही रहे, क्योंकि समाज का भी तो ख्याल करना पड़ता है। जाहिर है, हम लोगों को बोलने का मौका ही क्यों दें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं तुम्हें सीमा से मिलवा तो दूं, सीमा की मां। सीमा, सीमा बिटिया। जी। अरे बेटे इनसे मिलो, ये है मिस्टर दीपक राय। मैं जानती हूँ, मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मम्मी तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। जी बाबू मां जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम क्या नाम है मेरा? हाँ दीपक राय भाटिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी क्या क्या नाम है मेरा? सीमा। अच्छा अच्छा सीमा, बहुत खूब बहुत खूब भाई, हमें तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। तुमने तो दहेज का सवाल ही खत्म कर दिया, और फिर बड़े लोगों में तो रिश्तेदारी होती रहती है, इसका बेटा उसकी बेटी, उसकी बेटी उसका बेटा। मगर एक बात है सेठ जी। बोलो बेटा बोलो। आपको तो मालूम है डैडी की भी बरसी नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ रीटा और मेरी शादी की बात आपके और मेरे बीच ही रहे, आखिर समाज का भी तो ख्याल करना पड़ता है। जाहिर है जाहिर है, हम लोगों को बोलने का मौका ही क्यों दे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सुनो एक बात है, रीटा की रजामंदी तो बहुत जरूरी है। उसे शिकार खेलने का, बंदूक चलाने का बहुत शौक है। तुम्हें बंदूक चलनी आती है ना? बचपन से ही शिकार खेलता है, अभी भी तो शिकार ही खेल रहा हूं। तो ठीक है, अभी मिला देता हूं उससे। चलिए आओ रीटा बेटी। यस डैडी। बेटे एक और उम्मीदवार आए, मिस्टर दीपक राय, बेस्ट ऑफ लक यंग मैन। जी गॉड ब्लेस यू।
गले टूट गए। ओ नो, खोलो सिली, हाथ खोलो। मुझे अपने से अच्छा निशानेबाज चाहिए। लो लो, ये क्या कर रहे हो? मुझे गोली लग जाती तो? जहां मैं गोली चलाता हूँ ना, वहां गोली लगती नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर वापस चले जाओ। यू आर डिसमिस्ड। हेलो, you are the man. नमस्ते ठाकुर दास। आइए आइए दीपक बाबू, कैसे आना हुआ? जी आपसे काम था। कहिए ना। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। हाँ हाँ। अच्छा भाई, हीरा लाया हूँ गिरवी रखने के लिए। अरे ये तो हमने आपके पिताजी के लिए बनवाया था जी। कितने पैसे चाहिए? ये कुछ 40,000। हाँ हाँ, मिल जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है। कहिए। इसमें आप बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक नग डलवा दीजिए। अगर आप ऐसा कहते तो लगवा देते। रूप भाई, जरा एक नग का बॉक्स तो देना वहां से। किसी को पता तो नहीं चलेगा। कैसी बातें करते हैं आप, अगर किसी को पता चल गया तो ठाकुरदास ज्वेलर को कौन पूछेगा। थैंक यू। जीतेरो बेटे, I'm proud of you. Congratulations दीपक। Hello। तुम बैठो। जी सेठ जी, आइसक्रीम। अजी आपने तकलीफ क्यों की? तकलीफें तो मेरी सब दूर हो गई हैं सेठ जी। अब तक तो आपसे बिजनेस था, अब तो हम रिश्तेदार हो गए। वो तो ठीक है कि हमारी रिश्तेदारी हो गई श्याम सुंदर जी, लेकिन मैं बिजनेस में रिश्ता नहीं रखता। आप मुझसे रुपया लेंगे तो मैं ब्याज कम नहीं लूंगा। अरे सेठ जी, आप ब्याज ज्यादा लेंगे तो मैं अपनी बहू से कहूंगा 2-4 महीने आपकी बहू के यहाँ रहा है, ब्याज की रकम अपने आप वसूल हो जाएगी। आए, बड़ी घटिया स्कीम है आपकी। ये रही आपकी आइसक्रीम। स्कीम घटिया हो या बढ़िया, है तो मेरे फायदे की। सेठ जी आप तो सचमुच परेशान हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा वो जो आपने कह दिया मजाक कर रहा था, वरना मुझे कोई दूसरा पैंतरा सोचना पड़ता। पैंतरा? हाँ। पैंतरा तो मैंने मारा है सेठ जी, सीधे 3-4 लाख रुपए की बचत की। वो कैसे? मैंने अपनी बेटी की शादी पक्की कर दी। अजी शादी तो मैंने भी पक्की कर दी है, और लड़का भी ऐसा ढूंढा है जो दहेज ना ले। हाँ? हाँ। लगता है आपके हमारे सितारे बहुत मिलते हैं सेठ जी। मैंने भी ऐसे ही लड़का ढूंढा है, वो भी दहेज में एक पैसा नहीं लेगा। और लड़के का खानदान, वाह क्या बात है, लड़के का नाम सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। क्या नाम है उसका? अजी उसका नाम। नमस्ते जी, आप यहाँ बैठे हैं आंटी नारा चोरी। सेठ जी मैं अभी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सेठ जी कैसे हैं आप? कोई खातिर तवाजो में किसी तरह कोई कमी रह गई हो तो? पार्टी तो बड़ी शानदार है, और हम तुम्हारा ब्याह भी इसी धूमधाम से करेंगे। अरे अरे भाईजान, तुम उधर क्या कर रहा है? उधर सब ऊपर नीचे हो रहा है। क्या क्या चीज़ नहीं? आजो आजो, वो देख तेरी होने वाली तीनों बीया एक साथ बैठी। भाईजान शैला को सब स्कीम बता दिया क्या?
पागल हो गया क्या? मालूम नहीं शाला को झूठ से कितनी नफरत है, अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो। तुम भी मत बताना। नहीं 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 नहीं। हाँ? ओके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के मौके पर मेरे दोस्त अनवर ने एक बहुत ही बेहतरीन कव्वाली के प्रोग्राम का इंतजाम किया है। आज का दिन आखिर मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है ही, क्योंकि मेरी दो बहनों की शादी है, लेकिन मुझसे भी बढ़कर आज दो बहनों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि उनके भाइयों की शादी है। तो मैं हम सब हजरात की तरफ से रीटा जी और सीमा जी से गुजारिश करता हूं कि वो इस खुशी के मौके पर खुशी का इजहार करें, और खुशी का इजहार तो गाकर ही होता है, तो आप लोग तालियां बजाकर इनसे कहें कि यहां पर आए। तो फिर आइए। हमको तैरना आता है, कैसे डूबेंगे। ठकराओगे तो कदमों पे सर को झुकाओगे, जवानों से मेरी जा जो ठकराओगे तो कदमों पे सर को झुकाओगे, जवानों से मेरी जा जो ठकराओगे तो कदमों पे सर को झुकाओगे। Oh, yeah.
तूफान के ही पाले हैं, अपने अंदाज भी निराले हैं, क्यों दिखाते हो इन अदाओं को, बांध सकते नहीं हवाओं को, अल दिल को जो आजमाओगे, उंगली दांतों में तुम दबाओगे, दिल नादान इन्हें हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, बोलो जवानो यूं ना इतराओ, जवानी पे तरस खाओ, हसीनो होश में आओ, हमें तेवर न दिखलाओ, ये दिल पे धाग है काले, पड़ेंगे जान के लाले, चलाओ बर्छियां भाले, नहीं डरते हैं दिल वाले, जब ये मर्द है तौबा, कहां की दर्द है तौबा, हसे दिल सर्द है तौबा, बड़े पे दर्द है तौबा, जवानो सीनों को सहारा दो तो जालिम सर पे चढ़ते हैं, ना अच्छी दोस्ती इनकी, ना अच्छी दुश्मनी इनकी, ना अच्छी है अदा शोखी, ना अच्छी कम सिनी इनकी, इन्हें अपना बना के हम कभी ना चैन से सोए, इन्हें दिल में बसा के हम भरी बरसात में रोए, जो ठकराओगे तो कदमों पे सर को झुकाओगे, जवानों से मेरी जान जो ठकराओगे तो कदमों पे सर को झुकाओगे, शहनाई आंगन से डोली चली, भेष बदले हुए जैसे अर्थी चली, भाई मांगे दुआ लाज रख ले खुदा, लाल जोड़े में छुप के गरीबी चली, वक्त है निर्दयी माँ तो रोने लगी, पर्दा बिकता है बोलो खरीदोगे, हेलो 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 दीपक, सीमा बोल रही हूँ। आप? अरे रात को मजा आ गया यार, मेरा तो वापस घर आने को जी ही नहीं कर रहा था, लेकिन लेकिन तुमने एक बार भी रुकने को नहीं कहा, सारी रात तुम्हारे सपने देख देख कर काटी हैं। सुनो तुम तैयार होकर वापस पहुंच जाओ, मैं आ रही हूँ। एक मिनट सीमा जी, एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं दीपक बोल रहा हूँ। आप बोलते कहाँ हैं जी? आप तो जलाते हैं, तड़पाते हैं, रात से सारा बदन दर्द कर रहा है। जी जी कहाँ कहाँ? नैनो के कम तीर नहीं चलाए आपने हम पर। हेलो हेलो, एक मिनट। हाँ सीमा जी, कहाँ चले गए थे डार्लिंग? यही था। हेलो हेलो, एक मिनट सीमा जी। हेलो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
I love you, darling. You love me? Hello, Deepak. भाई जान, इस डिजाइन में तीन लड़कियां नहीं, एक ही लड़की होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरा ख्याल है एक ही लड़की पर कंसंट्रेट करो। एक लड़की? अरे शैला, तुम तीन दिन से कहां थी? मैं कहीं भी थी तुम्हारी जूती से। खैरियत डालेंगे, आखिर बात क्या है? स्टॉप डालिंग मी, बेहया, बेशरम। शैला बात क्या है, इतनी चिल्लाई हुई क्यों हो? तुम चुप रहो जी, तुम भी ऐसे कोई कम बेहया नहीं। शैला, उन बेशर्मों ने आंख मारी तो आपने भी आंख मारी। अपन अपने टेबल पर जाकर काम करता है। शैला मामला क्या है, आखिर किसने किसको कहां आंख मारी? बनो नहीं, वो दो बेशर्मे रीटा और सीमा तुम्हारी बहनों की नंदे। रीटा ने आंख मारी तो तुमने भी आंख मारी, सीमा ने नैन मटकाए तो उसे भी आंख मारी। तुम वो कवाली की रात की बात कर रही हो? अरे शैला तुम कितनी भोली हो। देखो तुमने मुझे गलत समझा है, वो क्या था कि मैं गाने के सम पर सर हिलाता तो आंख। बड़े आए तानसेन की औलाद, एक बार नहीं कई बार तुमने उन लड़कियों को आंख मारी और मैं वहां बैठी अंगारों पर लौटती रही। तुमने तो बात का पतंगा बना दिया। अरे खुशी का मौका था, सभी अपने रंग में थे। उफ, ये मर्द की जात, दूसरों के दिल पर क्या गुजरती है इसकी तुम्हें परवाह ही नहीं। शैला, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है तो मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मैं सीरियसली कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। साहब आपसे कोई मिलना है? मोहन सिंह, हाँ जी। तीन थम्स अप लेके आ, एकदम ठंडे। अच्छा जी। कौन आया? वो कामत है ना, जो अपने डिजाइन बनाता है वो मुझे उसे कोई पर्सनल काम है। उल्लू का पट्टा। कौन? कामत साला। हाँ। ये उसके मुंह पर मारना। हाँ। और बोलना कि आइंदा से ऐसा डिजाइन बनाया तो मैं। हाँ ठीक है, मैं उसे जब पर्सनल जाकर से बात करूंगा। तो शैला तुम यहाँ बैठो। हाय हैंडसम। हेलो सीमा, कैसी हो तुम? आई एम फाइन, हाउ आर यू हनी? फीलिंग फनी, मैं जिंदा हूँ। मेरे लिए ना? पद्मा कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा? वो भैया के साथ हनीमून जा रही है। गुड। वो हम दोनों हनीमून के लिए कब चलेंगे? थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? बताता हूँ। दीपक मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम दीपक? तो मुझे कुछ कहते क्यों नहीं? सीमा, बात यह है कि मेरे बॉस है ना मिस्टर चड्डा, वो इस बात के बहुत ही खिलाफ है। किस बात के? अगर किसी की गर्लफ्रेंड ऑफिस में आ जाए ना तो बहुत नाराज हो जाते हैं। बट डार्लिंग, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी होने वाली। I know. लेकिन जरा आहिस्ता बोलो ना, बॉस को औरतों की आवाज से बहुत नफरत है, अगर बाहर आ गए तो गजब हो जाएगा। Damn your boss. चलो कहीं और चल के बातें करते, आज मैं बड़े मूड में हूँ दीपक। Keep it up. I know. Look, क्या टाइम क्या हुआ? आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें हाई लॉर्ड में मिलता हूँ ना, तुम आ चलो ना। ठीक 4:30 बजे? एग्जैक्ट 4:30 बजे। okay. मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके दीप, देखो देना करना डार्लिंग, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। नो, 4:30 बजे डॉट। हे प्रभु आनंद दाता, दान हमको दीजिए, संकट निवारण संकट से निर्वृत्ति दीजिए। कृष्ण कन्हैया, बलदेव कन्हैया। डार्लिंग, क्या तुम मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रहे हो? नो, यस। अच्छा तो तुम मेरे लिए उतने ही बेकरार हो जितनी मैं तुम्हारे लिए बेचैन। करीब करीब। हाउ स्वीट ऑफ यू, मैं कितनी लकी हूँ। बट आई एम नॉट लकी। क्या मतलब? मैं बहुत बदनसीब हूँ। क्यों? वो अपने बॉस है ना। हाँ?
उसका पारा आसमान पर चढ़ा हुआ है। यू नो अनवर? या बेवकूफ गधा। क्या हुआ उसे? मारा गया बेचारा। क्या था? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिलने के लिए आई थी। बॉस ने दोनों को पकड़ लिया। हंगामा हो गया। नौकरी से गया बेचारा। How dreadful! चलो फिर हाईलॉट चल के बैठते हैं। Oh, very good idea. हाँ, तुम हाईलॉट चल के बैठो। ठीक 4:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। Okay. हाईलॉट। ओह नो, मर गए। ओह हाईलॉट, 4:30 बजे। ओह दीपक रायवालिया, अब तेरे खानदान का क्या होगा रे? सीमा, शादी के बाद भी इतना इंतजार करवाओगे तुम? मैं लेट हो गया क्या? घड़ी नहीं थी। पूरे 2 मिनट। और इन 2 मिनटों में मेरा दिल तो 200 बार डूब चुका है। चलो डांस करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा सिगरेट लेकर आता हूँ। ओके। कॉफी का ऑर्डर दो। वेटर, कुछ ऑर्डर नहीं दिया तुमने? मैंने जो ऑर्डर किया वो आ गया। क्या सैंडविच? नहीं, तुम। आई लव यू। चलो लेट्स डांस। क्यों नहीं, मैं जरा एक फोन करूं। अभी आ? हेलो जी, नहीं मुझे प्यार करना है। तो कीजिए ना, मुझे क्यों? अरे वो दोनों से मैं ज्यादा अच्छी हूँ। वो छोकरिया क्या जाने प्यार करना। मैं तुमको सिखाती हूँ प्यार क्या है। अरे भाई क्यों आप परेशान करिए, वैसे ही मारा हुआ इंसान हूँ। अरे अब भी जाके वो दो मकड़ियों को बोल देती हूँ कि ये तुमको उल्लू बना रहा है। क्या आप सब समझ गई? जी हाँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मेरे चुको, उधर मेरा टेबल है, उधर आ जाना, समझे? ये क्या कर दिया? अब मैं कैसे नाचूंगी? तुम बैठो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। नहीं नहीं बहुत देर हो जाएगी, ऐसा क्यों करते? कल 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 हॉलिडे है ना, हम लोग महाबलेश्वर चलेंगे। रियली? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आओ आओ, मत टैक्सी दिलवा देता हूँ। मैं जरा उसको निपटा दूं। सॉरी, लगता है फोन खराब है। Come on, let's dance. चलो चलो सुनो, चलो सुनो। Come on, come on. Set it.
सत्या क्या हुआ? हाँ कुछ कुछ नहीं रीटा, मेरा बॉस, मैंने कहा था ना ऐसा क्यों नहीं करती हो तुम? आज तुम चलो, कल हॉलिडे है, हम लोग महाबलेश्वर चलेंगे, सुबह से शाम तक वहीं रहेंगे। सच्ची? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके बाय बाय। किधर जाता है? अंदर। मेरे छोड़ो बिना प्लीज, क्या खाई? आओ शेर, तेरे भैया तेरा इंतजार कर रहे हैं, पहले उनसे मिल ले। भाभी, भैया वही सवाल करेंगे और मैं वही जवाब दूंगी। जवाब तो मुझे मिल गया, और वो भी जनाब दीपक साहब से, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैंने कहा था ना, अमीरों के बेटे अय्याश होते हैं। आज दीपक साहब को हाईलॉर्ड रेस्टोरेंट में मैंने खूबसूरत लड़की के साथ देखा। इसमें क्या हुआ भैया? दीपक का बिजनेस ही ऐसा है, लड़कियों के साथ फिल्में बनाएंगे तो क्या लड़कियों के साथ बात नहीं करेंगे या बैठकर चाय नहीं पियेंगे? शैला, तुम क्या मुझे बच्चा समझती हो? बात करना और चाय पीना तो एक तरफ, साथ बैठने से ही पता चलता है दूरियां कितनी हैं और नजदीकियां कितनी हैं। बिजनेस में गाल से गाल मिलाकर डांस नहीं किया जाता। शैल, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे भाई नहीं चाहते कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो, इसीलिए उन्होंने ये बहाना सोचा है, अपने आप को बचाने के लिए उल्टी तोहमत मुझ पर लगा दी ताकि तुम मुझसे बदगुमान हो जाओ, मुझसे नफरत करने लगो। दीप, क्या तुम सच कह रहे हो? शैल, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जाकर अनवर से पूछ लो, वो मेरे साथ था। दीप, भैया ने तुम पर बड़ी ज्यादती की है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पर शक किया। शैल, इस राह में बड़ी बड़ी दुश्वारियां आती हैं, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। कम ऑन, चेयर अप, कम ऑन। आजा मेरे यार, करें हम दोनों आंखें चार, अरे आजा मेरे यार, करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे, कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा निकलेगा। आजा मेरे यार, करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे, कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा निकलेगा। कसमें वादे की ये रस्में है बेकार, अरे प्यार में कसमें वादे की ये रस्में है बेकार, नतीजा अच्छा निकलेगा। Thank you.
नहीं है बरसों की बस कुछ दिन है दिलदार, बात नहीं है बरसों की बस कुछ दिन है दिलदार, नतीजा अच्छा निकलेगा। प्यार अमर हो जाता है सरकार, ऐसे ही तो प्यार अमर हो जाता है सरकार, नतीजा अच्छा निकलेगा। आजा मेरे यार करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा निकलेगा। आजा मेरे यार करें हम दोनों आंखें चार, आज है किस्मत जोरों पे कर हमसे जम के प्यार, नतीजा अच्छा निकलेगा। नतीजा अच्छा निकलेगा, नतीजा अच्छा निकलेगा, नतीजा अच्छा निकलेगा, नतीजा अच्छा निकलेगा। यार मैं तो बाज आया इन दोनों लड़कियों से, इनके चक्कर में फंसकर तो पागल हो जाऊंगा दोस्त। वैसे वो आपकी कौड़ियां कहां है, निकालिए ना इस मुसीबत में। अरे चौकस निकालेगा, अनवर भिवंडी वाला अभी जिंदा है। भाईजान आपन के पास ऐसी कौड़ी है जो उस्मान बाटली वाला को दिया था, वो साला तो तुमसे ज्यादा लफड़े में पड़ेला था, आपन ने उसको ऐसा निकाला, ऐसा निकाला जैसे मक्खन में से बाल। लो ये लेटर का ड्राफ्ट पढ़ लो। माय डियर सेठ लक्ष्मी प्रसाद जी, माय डियर सेठ लक्ष्मी प्रसाद जी, अच्छा मैं आपकी लड़की की भलाई चाहता हूँ, इसलिए आपको वो बातें बताना अपना फर्ज समझता हूँ जो अब तक आपको नहीं मालूम। वेरी गुड। मिस्टर दीपक राय वालिया, दीपक राय वालिया जिसकी शादी आपकी लड़की रीता से तय हुई है, वो पांच दूसरी मासूम लड़कियों से शादी का वादा करके उनकी जिंदगियां तबाह कर चुका है, दो लड़कियों से उसके नाजायज बच्चे भी। उम्मीद है आप ऐसे अय्याश और बच्चलन आदमी से अपनी लड़की की शादी करके उसकी जिंदगी तबाह नहीं करेंगे। आपका खैर ख्वाह धर्मवीर वर्मा। अनवर भिवंडी वाला, ये लेटर तुम्हारे दोनों टेम्पररी ससुरों के नाम भेजेगा। हाँ। फिर वो ताबड़तोब तुम्हारा वारंट निकालेंगे। That's true। फिर तुम उधर जाकर क्या बोलेगा? मैं क्या बोलेगा, बोलेगा ये सब झूठ है, बकवास है, मैं किसी दुश्मन की चाल है। अरे 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 सब घोटाला हो जाएगा, तुमको उधर जाकर कुछ नहीं बोलना भाईजान, उधर चुपचाप जैसे कोर्ट में मुजरिम खड़ा होता है, कैसे कप कप सर झुकाए, कैसे ऐसे। पढ़ लिया आपने, कुछ कहना है? डैडी क्या कहा था मैंने आपसे, क्योंकि मैं इन्हें पसंद करती हूँ ना, इसलिए लोग चल रहे हैं, ये जरूर किसी दिल जले की साजिश है। लेकिन आप लोगों ने ये कैसे समझ लिया कि मैं बेकसूर हूँ? बरखुरदार अगर ये सच होता तो तुम इस तरह खामोश न खड़े रहते, झूठों की तरह चीखते चिल्लाते और कहते ये झूठ है, बकवास है, सरासर किसी की साजिश है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ इस खत में लिखा हुआ है वो सरासर झूठ है? बेशक लफ्ज ब लफ्ज झूठ है। मिस्टर धर्मवीर वर्मा अगर ये साबित कर दे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और वो दो लड़कियां जिनके नाजायज बच्चे हैं? फॉर गॉड सेक सीमा, अगर तुमने इन बातों पे यकीन किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये तुमने लेटर क्यों फाड़ दिया? अब इसकी जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम बेकसूर हो।
आखिर तुमने ये कैसे समझ लिया? इसलिए कि अगर तुम कसूरवार होते तो क्या तुम हम लोगों से नजर मिला सकते? तुम्हारा सर शर्म से झुक जाता? अरे बेटे, दुनिया में जलने वाले तो होते ही, हुआ करें। सुना नहीं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अनवर भी बंडी वाले, खुदा तुझे गारत करे। अजय सुनते हो, तुम्हें कुछ याद भी है क्या सेठानी? दीपक ने हमारी सीमा से शादी करने का दिन अभी तक पक्का नहीं किया। परसों तो उसके पिता की बरसी है, कहीं वो अपने वादे से पलट तो नहीं जाएगा? अरे पलट कैसे जाएगा, मैंने शिव सुंदर के लिए उन लोगों से दहेज इसलिए नहीं लिया था कि दीपक ने बदले में हमारे सीमा से शादी करने के लिए जबान दी थी। अगर वो अपनी जबान से फिर गया तो? मजाल है जो फिर जाए, वो जानता नहीं कि उसकी बहन हमारे घर की बहू है। जरा सा बांधने में इतना वक्त लग रहा है ना। क्या ठहरो, जल्दी करो, मुझे मीटिंग में जाना। उफो, जल्दी करो, चलो। अरे लो पद्मा भी आ गए। पद्मा, चलो पद्मा तुम मेरा बांधो। ये लो। सुखी रहो भैया, सिर्फ सुखी रहो। सुखी रहो तो और आशीर्वाद चाहिए? तो जा, भगवान करे तू 100 बेटों की माँ बने। तो ला मेरे 100 रुपए। तुझे क्यों, जिनके लिए आशीर्वाद है जैसे जैसे आएंगे लेते जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे 100 रुपए दो बस। क्या पद्मा, तुम्हारा भी यही प्रोग्राम है तो पहले बता दो। देखो मेरे पास माल थोड़ा कम है। आप घर कब आएंगे भैया? भाई तुम लोग घर आयो, जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, काम भी है। लंच पर आ जाऊंगा, खाना एक साथ खाएंगे। हाँ क्यों माँ? ये लो तुम्हारा शगुन। और ये लो तो मुठी भर। थैंक यू भैया, बाय माँ। अरे ये तो 90 है भैया। अरे रुको रुको भैया। क्या बात है पद्मा, तू कुछ परेशान से नजर आ रही है। माँ बड़ी अजीब बात सुनी है मैंने, आज मेरे ससुर जी मेरी सास से कह रहे थे कि भैया मेरी ननद सीमा से शादी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, वो तो शैला से शादी कर रहा है। यही तो मैं भैया से पूछना चाहती हूँ। वो लोग कह रहे थे उन्होंने मेरी शादी में दहेज मांगा था, लेकिन भैया ने कहा वो सीमा से शादी कर लेंगे तो फिर न दहेज देना पड़ेगा न लेना पड़ेगा। ऐसा होता तो दीपक मुझसे ना बात करता। हाँ पद्मा, तुम तो जानती हो भैया माँ से पूछे बिना कुछ नहीं करते। मुझे मालूम है, लेकिन बिना आंख के धुआं नहीं उठता रजनी, कुछ न कुछ बात जरूर है। तो भैया को आने दो, माँ पूछ लेंगी। शैल, तुमको मैं गुड सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ, मेरा दिन बहुत। तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। तोहफा? कुछ खास है क्या? शैल, ये कहो रुक क्यों गए, कह दो ये तुम नहीं? ये तो सच है कि मैं ही, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जो आंखें देखती हैं वो हमेशा सच्ची हो, फरेब भी तो हो सकता। फरेब? सरासर फरेब। 3 साल तक तुमने मुझे धोखे में रखा, तुम्हारे प्यार में मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। काश मैंने अपने भैया की बात मान ली होती। शैल मेरी बात सुनोगी? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, मुझे तुमसे नफरत है। अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी ना दिखाना। शैल, शैल, शैल मेरी बात सुनो। शैल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, प्लीज शैला। देखो शैला। ओ हाय दीपक। अरे शैला तुम
तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? Yes, of course, by all means. तो फिर चलो, रजिस्ट्रार का ऑफिस बंद होने में सिर्फ एक घंटा बाकी है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या सचमुच तुम? हाँ, मैं ये फैसला करके यहाँ आई हूँ. तो फिर बैठो ना, प्लीज बैठो. मेरी जिंदगी कितनी बड़ी खुशी का मैं यूं ही रजिस्टर पर साइन करके मनाऊंगा? नहीं, हमारी शादी शैला बड़ी धूमधाम से होगी. मैं कितना खुश हूँ आज. मैं अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ. माँ, तुम बिला वजह सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी. कल मैं पद्मा के ससुराल जाकर सब बातें साफ कर लूंगा. अब उठो चलो और जाकर सो जाओ. मुझे अच्छी तरह याद है. हाँ, तूने ही तो मुझे कहा था कि वो लोग पुराने और घिसे पीटे विचारों के नहीं हैं और दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ हैं. तो फिर पद्मा ने ये बातें कैसे? माँ, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है. अब ये भी तो हो सकता है कि उनके दिल में कोई ऐसी ऐसी बात रही हो. शायद उस वक्त उन्होंने ये सोचकर दहेज ना मांगा हो कि मैं उनकी लड़की से शादी कर लूंगा. ना, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना. तो फिर तू परेशान क्यों? तू फिक्र ना कर, कल मैं खुद जाकर उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा. अब तू जाके सो जा. हम बेटी वाले हैं बेटे, जो भी बात करो सोच समझ कर, नरमी से और प्यार से करना, उन्हें बुरा ना लगे. माँ, तू फिक्र क्यों करती है? तू जा और जाके सो जा. बधाई हो, बधाई हो. मगर बगैर दहेज दिए ये वर कहाँ से ढूंढ निकाला आपने? अरे आप तो उसे जानते हैं, स्वर्गवासी दौलत राय वालिया का लड़का दीपक राय. दीपक राय? अजी वो तो मेरा रिश्तेदार है, मेरी बहू रजनी का बड़ा भाई. मेरी बहू पद्मा का बड़ा भाई. मगर उसने तो मेरी बेटी रीटा के साथ शादी करने का वादा किया हुआ है. नहीं सेठ जी, उसने मेरी बेटी सीमा के साथ ब्याह करना मंजूर कर लिया है. क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? दीपक रीटा के सिवाय किसी और लड़की साथ शादी कर ही नहीं सकता. तुम जरूर उसे अपनी बेटी सीमा के लिए फंसा रहे हो. मैं क्यों फंसाने लगा सेठ जी? आपको गलतफहमी हो रही. मैंने अपने बेटे शिव सुंदर की शादी उसकी बहन पद्मा से की और दहेज में फूटी कौड़ी नहीं ली. तय ये हुआ था कि बदले में वो मेरी बेटी सीमा से शादी करेगा. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. अरे मैंने अपने बेटे राम प्रसाद की शादी उसकी बहन रजनी के साथ की और दहेज में 2.5 लाख रुपया नहीं लिया, इसलिए बदले में वो मेरी बेटी रीटा के साथ शादी करेगा और कुछ नहीं लेगा. अजी जनाब, दीपक और सीमा एक दूसरे को प्यार करते हैं. आप अपनी रीटा के लिए कोई और लड़का तलाश. शांत सुंदर, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो. मैं तुम्हारे सारे अटकंटे समझता हूँ. क्या कर रहे हैं आप? दीपक, दीपक, दीपक बेटे, दीपक, समझा दो इस कबाड़ी को कि तुम मेरी बेटी रीटा के साथ शादी कर रहे हो. चुप रहिए आप. बेटे दीपक, इन्हें समझा दो तुम इनकी नहीं मेरी बेटी से शादी कर रहे हो. खामोश क्यों दीपक बेटे? डरो नहीं दीपक बेटे, साफ साफ कह दो. हाँ, साफ साफ कह दो. अब वक्त आ गया है, मैं आप लोगों से साफ साफ कह दूं. आप दोनों मेरे संबंधी हैं, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं. मैं सीमा से शादी नहीं कर सकता और ना ही रीटा से. क्या रखते हो? मैं सच कह रहा हूं सेठ जी. ओ, तो तुम झूठे धोखेबाज और फरेबी निकले. श्याम सुंदर, इस चालबाज ने हमारे साथ बड़ा खूबसूरत नाटक खेला है. हमारी बेटियों के साथ शादी का वादा करके अपनी बहनों को हमारे बेटों के गले बांध दिया और दहेज की सारी रकम पी गया. अजी दहेज देने की तो इसकी नियत ही नहीं थी. अजी मैंने बड़े बड़े बदमाशों को मिनटों में ठीक किया है. कान खोल कर सुन लो, मुझे शिव सुंदर के दहेज के 2.5 लाख रुपए अभी चाहिए, इसी वक्त, वरना तुम जानते हो. भगवान के लिए मेरी बात पर यकीन कीजिए, उस वक्त दहेज देना मेरे लिए नामुमकिन था, इसलिए अपनी बहनों की शादी के लिए एक भाई को झूठ का सहारा लेना पड़ा. मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आप लोगों की 2.5 लाख रुपए की रकम जल्द से जल्द अदा कर दूंगा. एक आखिरी मौका और दे दीजिए.
तुम पर फिर से यकीन करें, भरोसा करें तुम? श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, बेचारा यकीन दिला रहा है, इसे एक मौका और दे दिया जाए। जाओ बेटे जाओ, तुम्हें एक मौका और दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। श्याम सुंदर, ये दहेज की रकम देने वाला नहीं। अजी दहेज तो अब हम लेंगे। कैसे? घी अगर सीधी उंगली न निकले तो उंगली टेढ़ी कर ली जाए। चाय है शरबत जी, इतनी ठंडी? लेकिन मैं तो अभी भी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। बेशरम, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सामने जबान ला रही तू? ये देख ठंडी है या काम करने मन नहीं लगता तो चले जाते। मैं गाय भैंस की तरह चरती ही रहती है, घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ या तेरा भाई? माँ जी, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। नाश्ता नहीं किया? नाश्ता करने का शौक है तो अपनी माँ के घर में जाके नाश्ता कर, वहीं जाके खीर पूरी खा, समझी? चल निकल यहाँ से। खाक में मिला रही है और पूछती है मैंने क्या किया? क्या हुआ बाबूजी? अरे पूछ इस बच्चन से, नीच खानदान की है ना, गैलरी में खड़ी सड़क पर चलने वालों से नजर मिला रही थी। अरे शरीफों का घर है, बनारी कोठा नहीं। नहीं, मुझ पे ऐसा दोष मत लगाइए, ये झूठ है, ये अन्याय है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप हमारा बेशरम, मैं इस कुलता को धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, इस चौकर से मेरी लाश ही जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। बोल, जाती है कि नहीं जाती? बेशरम, अब या तू जाएगी या तेरी लाश जाएगी। बोल, जाती है कि नहीं जाती कुर्ता? चलो
आवारा बेशरम किस नीच खानदान की है, गैलरी में खड़ी आते जाते मर्दों को रिझाने की कोशिश कर रही है। अब जब तू जाएगी या तेरी लाश जाएगी, अब जब तू जाएगी या तेरी लाश जाएगी, अब जब तू जाएगी या तेरी लाश जाएगी। अपने भाई से कहना कि तेरे मरने की खबर जल्दी मुझ तक पहुंचा दे, ताकि अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकूं और लाखों का दहेज पा सकूं। क्यों भाई, क्या कहती है तुम्हारी बहू? अजी वो तो बड़ी ही बेशरम है, इतना मारा पीटा, सीढ़ियों से धक्का तक दिया कि बच्चा जाया हो और खुद ही अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दे, लेकिन वो वैसी की वैसी हट्टी कट्टी मेरे छाती पर मुंह दल रही है। भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अजी अब तो शिव ने भी बोलचाल बंद कर दी है। एक बात कहूँ, मुझे तो उसके घर से दहेज मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही। तो मुझे ही कौन सी रही है, इसीलिए तो दूसरी जगह बात करके रखी है मैंने। 5 लाख नकद देंगे दहेज में। 5 लाख? हाँ, और कपड़ा गहना अलग से। वाह बेटा, ब्याह है तो ऐसी जगह। लेकिन जब तक तुम्हारी ये बहू जिंदा है, तुम्हारा बेटा नहीं ब्याह जा सकता। वो जिंदा नहीं रहेगी। कैसे? अजी हमारे गांव के जमींदार ने अपनी बहू को पेट्रोल डाल के जला दिया और कह दिया कि खाना बनाते वक्त जल गई, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। तो क्या तुम उसे? अजी मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आज शाम को जब रसोई घर में वो खाना बनाने जाएगी। नहला रही थी बेटी, आओ बेटी तुम्हें पोंछ देती हूँ। भागती कहाँ है चुड़ैल? क्या हुआ माँ, क्या हुआ? देख देख ये देख क्या हालत की है मेरी बेटियों की, और वो भी
जबकि पद्मा मां बनने वाली है। रजनी, रजनी की तो लाश ही देखने को मिलती। इसने तो अपने आप पर मिट्टी का तेल डाल दिया था, अगर माचिस लगा लेती तो। रजनी, ये सब 2.5 लाख के दहेज के लिए। मैं पूछती हूँ, मेरी बेटियां क्या इतने गए गुजरे घर की हैं? इनके डैडी के रुपयों में से क्या इनका इतना भी हक नहीं? जाओ अभी जाकर बैंक से रुपया ले आओ, मैं खुद इनके ससुराल वालों को जाकर दूंगी। 2.5 लाख नहीं, 3-3 लाख। और कहूंगी प्याज समेत ले लो, पर मेरी बेटियों को कभी टेढ़ी आंख से देखना नहीं, कभी टेढ़ी आंख से देखना नहीं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? वो लोग ने कहला भेजा है दहेज के बगैर वो लोग लड़कियों को घर में नहीं रखेंगे। ठीक है माँ, तो फिर मैं दहेज का इंतजाम कर दूंगा। इंतजाम? इंतजाम क्या करना है? किसी से कर्ज लेना है क्या? अरे अपनी ही बैंक से तो पैसा निकालना है। तुम जाओ, सिर्फ दहेज के लिए मेरी बेटियां एक रात भी अपने मैके नहीं रहेंगी। मां, मिलियन आज ही इतना रुपया मुझे कुछ दिनों की मोहलत देते। मां, मोहलत? मोहलत से क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास रुपया नहीं? मां, वो तुम मेरी बात का जवाब दो, सारा रुपया कहां है? कहां है तुम्हारे डैडी की कमाई हुई सारी दौलत? दौलत नहीं मां, कहीं कोई दौलत नहीं थी। क्या किया सारे पैसों का? बोल, कहां उड़ा दिया इतना रुपया? किसे दे दिया? रुपया था ही नहीं मां, डैडी शेयर मार्केट में अपना सब कुछ कमा चुके थे। उनकी मौत का यह भी एक सबब था, मरते वक्त उनके सिर पर बहुत सा कर्ज था, यहां तक ये घर भी गिरवी रखा हुआ। घर गिरवी होता तो वकील मुझे ना बताता। मैंने उनसे मना किया था। क्यों? डैडी ने मरते वक्त कहा था तुम्हारी मां दिल की बीमार है, वो ये सब ना बता। हम तो बीमार नहीं थे, आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया? मुझे तो कुछ और ही लगता है माँ, मेरा ख्याल है भैया सारा रुपया खुद हड़प कर गए। रजनी, माँ अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो जाकर खुद वकील से पूछ लीजिए। कोई फायदा नहीं, मैं सब समझ गई हूँ, तुमने उसे भी अपने साथ मिला लिया है। जब तुम हमें धोखा दे सकते हो तो वकील तो फिर भी पराया है। भाईजान, ये कोई नवी बात थोड़ी रही है, ये तो हमेशा से ही छोटा चला आया है, और तुम्हारे साथ तो होना ही था। तुम्हारी तो माँ भी सौतेली, बहने भी सौतेली। खबरदार जो ऐसा लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला अनवर, जिस बात को मेरी माँ और बहनों ने मुझे आज तक महसूस नहीं होने दिया उसे तुम। उन्होंने मुझे अपने से ज्यादा प्यार दिया है, उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। अगर गलती है तो मेरी, उनकी देखभाल, उनके सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी है। अगर जिम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर सकता तो सौतेला मैं हुआ, वो सौतेली नहीं। माँ, रुपयों का इंतजाम हुआ? कोशिश कर रहा हूं माँ। सुनो। जी माँ। तुम्हारे डैडी का लॉकेट कहाँ है? मेरे पास है। क्यों? लाओ मुझे दो।
असली है? बोलते क्यों नहीं, असली पत्थर बेच खाया। नहीं माँ। झूठ मत बोलो, ठाकुरदास जोरी खुद आकर मुझे कह गया कि तुमने असली पत्थर बेच दिया। बेचा नहीं है माँ, गिरवी रखा है। और उन रुपयों का क्या किया? किया क्या, अपनी शादी के लिए रुपए नहीं चाहिए? रखा होंगे अपनी शैला के पास, सगा भाई होता तो पहले अपनी बहनों की चिंता करता। सौतेले से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मैं एक बात और सुन ले, जल्दी से दहेज का इंतजाम न हुआ तो हम तीनों के लिए जहर ला दे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शैला, हैप्पी बर्थडे। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू प्रपोज अ टोस्ट टू शैलास हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। चीयर्स चीयर्स। शैला, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, उस खुशी में मैं पार्टी यहीं दूंगी। भाई सुरेंद्र, तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो, कितनी अच्छी और खूबसूरत दुल्हन मिल रही है तुम्हें। थैंक यू। दोस्तों, है तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात, लेकिन जब माहौल खुशगवार हो तो उस खुशी के मौके में किसी को भी शामिल होने का हक है। आज मेरे भी एक अजीज दोस्त का जन्मदिन है, वो दोस्त तो यहां नहीं लेकिन यहां मौजूद है। मैं यहीं से उस दोस्त को गजल की शक्ल में मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। देखो मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो कहाँ जाते हो रुक जाओ। कहीं भी जाओ हम साचाने वाला न पाओगे, हमें ठुकराओगे पछताओगे फिर लौट आओगे। खफा होके करो ना अपने ही दिल पे सितम, देखो कहाँ जाते हो रुक जाओ।
जरा से बात का तुमने बना डाला है अफसाना। बना दोगे किसी दीवाने को तुम और दीवाना, हमें कुछ कहने का मौका तो देते, कम से कम देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ। किसे मालूम था यूं भी मोहब्बत रंग लाएगी, हंसाएगी मुझे एक दिन मगर सौ दिन रुलाएगी, हमारी जान ले लेगा मोहब्बत का ये गम, देखो कहाँ जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो कहाँ जाते हो रुक जाओ। ओहो बेटे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे पिताजी कर्ज में इतने डूबे हुए थे कि मकान तो क्या सारी जायदाद बेचने के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, और 5 लाख, 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है बेटे। उम्मीद की सारी कड़ियां टूट चुकी हैं अंकल, अब तो बस आप ही एक आखिरी उम्मीद हैं। कम से कम आप तो ऐसा ना कहिए, मैं अपनी जान जिसमें सब कुछ बेचने को तैयार हूं, कहीं से भी कैसे भी 5 लाख रुपए दिलवा दीजिए। अंकल आपके तो इतने ऊंचे ऊंचे घरानों से ताल्लुकात हैं, कुछ तो कीजिए प्लीज अंकल प्लीज। हाँ अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं एक जगह बात चला सकता हूं, मेरे क्लाइंट हैं सेठ चंपकलाल जी, करोड़पति आदमी हैं मगर जात पात और पुराने खैरात के आदमी हैं, उन्हें अपनी बेटी के लिए ऊंचे खानदान का बार चाहिए, मेरे ख्याल में तुम उनकी पसंद पे पूरे उतरोगे। वो मुझे 5 लाख रुपए देंगे? 5 लाख क्या होता है जी, जो मांगोगे सो दे देंगे, और फिर देना भी क्या है, घर की चीज है, घर में ही रहने वाली है, ये सब कुछ मेरी बेटी का है, जो मेरी बेटी का वो मेरे दामाद का, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। जी कहिए। मेरी इकलौती बेटी है, वो चली जाएगी तो ये घर सूना सूना हो जाएगा, शादी के बाद अगर तुम भी यहीं रहो तो। जी आपका मतलब है घर जोई? इसके अलावा भी कोई शर्त है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे जाने में कोई एतराज नहीं। वाह बेटा जीते रहो, वकील साहब मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है, मैं भी अपनी बेटी को बुलाता हूँ। पुष्पा ओ बेटी पुष्पा। आप उन्हें क्यों बुला रहे हैं? तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, तुम उसे देख लो पसंद कर लो तभी तो ये शादी होगी ना। जी मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं, अंकल ने उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो तुम्हें ये शादी मंजूर है ना? जी हाँ। बधाई हो सेठ जी, अब हम चलते हैं। नहीं ऐसे नहीं, मैं खाली आके ही जाने दूंगा, आप ठहरिए। अंकल शादी में देर नहीं होनी चाहिए, आपको तो मालूम है मुझे 5 लाख रुपए चल से चल चाहिए। ये लो बेटा ये 5 गिन्नी तुम्हारे शगुन की है, आज से तुम हमारे हो गए हो। सेठ जी आप शादी में देर मत कीजिए। मैं क्यों देर करने लगा, कल शनि है, आप परसों बारात ले आइए। बहुत अच्छा,
जीत रहो बेटा। आ बेटे, नमस्ते। पुष्पा, ओ बेटी पुष्पा। जी पिताजी। अरे बेटी तू यहां है, तू बड़ी किस्मत वाली है बेटी, मुझे तेरे लिए जैसा लड़का चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला है, अपनी जात बिरादरी का है, देखने में सुंदर, पैसे वाला और पढ़ा लिखा भी है। पिताजी, योगेश भी तो पढ़ा लिखा है, योगेश भी तो सुंदर है। सिर्फ शक्ल से, न घर बार का पता न माँ बाप का। क्या तुम चाहती हो मैं यतीम के साथ तुम्हारी शादी कर दूं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। माँ ने दीपक के साथ तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। ये शादी नहीं, धोखा है पिताजी, वो सिर्फ आपकी दौलत के लिए मुझसे शादी कर रहा है। दौलत का लालच उन्हें होता है जिनके पास रुपया नहीं होता। जानती हो किसमें आपका बेटा है? तुम्हारे लिए उससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। लेकिन आप जानते हैं मैं योगेश से प्यार करती हूँ पिताजी, मेरा जीवन योगेश के साथ है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ योगेश से, ये मेरा फैसला है। तो मेरा फैसला भी सुन लो, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने योगेश से शादी की तो तुम्हारे सर की कसम मैं फांसी पर भी चढ़ जाऊं तो मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं उस नीच जात के लौंडे को गोली सोड़ा दूंगा। अपने खानदान की इज्जत पर कलंक लगने के बजाय अपने हाथों से तेरा सिंदूर मिटा दूंगा मैं। भगवान के लिए पुष्पा, मेरे प्यार से इतना बड़ा बलिदान मत मांगो। तुम तो जानते हो योगेश, तुम्हारा प्यार ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आज इसी दौलत को कुर्बान करने पे मजबूर कर दी गई हूँ मैं। पिताजी की जिद ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। पुष्पा, तुम मेरे जीते जी किसी और की हो जाओगी, ये मैं कैसे? नहीं, कभी नहीं योगेश, कभी नहीं। तुम्हारी जिंदगी की खातिर ही मैंने ये फैसला किया है। यकीन जानो, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी रहूंगी, लेकिन ये खुशी हमें इस जन्म में नहीं मिल सकती। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपने भगवान के हवाले सौंपती हूँ, वो तुम्हें हिम्मत देगा। खुल गया? खुल गया? थैंक। माँ? हाय राम, तू शराब पी कर आया है? डैडी नहीं रहे ना, अब डर किसका है, जो जी न्याय करे। माँ, 2-4 दिन में अपने घर चले जाएंगे। रुपयों का इंतजाम किया? पूरे 5 लाख। अब रुपया कहाँ से आया? तुम तो कहते थे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हाँ बहन, मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, आज तो मैं खुद अपना भी नहीं। माँ, ये दुनिया बड़ी अजीब है, इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ हर चीज बिकती। मैंने आज पहली बार अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। साला यहाँ धुआं बिकता है। मैं भी आज बिक गया हूँ। माँ, तुझे अपने बेटे पे फखर होना चाहिए, तेरा बेटा कोई सस्ता वस्ता दूल्हा नहीं, पूरे 5 लाख रुपए का बेटा। अब फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ, 2.5 लाख रुपया श्याम सुंदर को, और 2.5 लाख लक्ष्मी प्रसाद को, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। सुनो, तुम अब खुदकुशी करने की कोशिश मत करना, उनके दहेज की रकम उन्हें पूरी अदा कर दी जाएगी। तुम हक से रहना। हाँ, तुम अपने ससुराल में आराम से रहना, सारा खुश रहो, सुखी रहो। मुझे माफ कर दो, मैंने सचमुच तुम दोनों को बहुत दुख दिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं,
तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, लेकिन मुझे सौतेला बेटा मत कहो माँ, मुझे सौतेला मत कहो, मैं मुझे सौतेला मत कहो, मुझे सौतेला मत कहो माँ। ओम सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपठे। बधाई हो, अब आप दोनों बड़ों के चरण छू के आशीर्वाद लीजिए। दहेज की रकम का क्या हुआ? हाँ मैं पूछता हूँ सेठ जी, अगर वो दहेज की रकम मिल जाती तो सब लोग देख लेते और आपकी शोहरत भी हो जाती। वकील साहब, दहेज की रकम को हम स्त्री का धन समझते हैं और दीपक को ये धन उसकी स्त्री यानी कि मेरी बेटी के हाथों ऊपर सुहागरात के कमरे में मिल जाएगा। पसंद आई दुल्हन? देख क्या रहे हो, मनाओ सुहागरात, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं पुष्पा। लेकिन अब हमें जिंदगी भर साथ रहना है, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। शादी मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं थी जितने कि दहेज के 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मिलने की खुशी में तुमने ये भी जानने की जरूरत नहीं समझी कि लड़की कैसी है? मान लो मेरी जगह कोई अपाहिज या बदसूरत लड़की होती तो भी तुम शादी कर लेते? हाँ। इसलिए कि तुम्हें लड़की से नहीं दहेज से मतलब है। तुम जैसे लोग सिर्फ दहेज के लिए शादी करते हैं। शादी के बाद तुम 5 लाख और मांगोगे, फिर 5 लाख और। मेरे पिताजी ने नहीं दिए तो तुम मुझे मारोगे, पीटोगे, घर से बाहर निकालने की धमकियां दोगे। एक दिन मैं अपने जिस्म पे मिट्टी का तेल डालकर जल जाऊंगी या जहर खाकर मर जाऊंगी। लेकिन तुम जैसे भेड़ियों की दहेज की भूख कभी खत्म नहीं होगी। इस देश में हजारों लड़कियां दौलत की इस हवस पे कुर्बान करते हो तुम लोग, लेकिन मैं तुम्हारी ये हवस कभी पूरी नहीं होने दूंगी। तुम जैसे हथियारों का जिंदा रहना समाज और देश दोनों के लिए खतरा है। पुष्पा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुमने आज मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी, मेरे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारी शादी के हवन मंडप में जलकर राख हो गई। दिल से किसी दूसरे की होते हुए भी मैंने तुमसे अग्नि के गिर्द फेर लिए तो सिर्फ इसलिए कि अपनी जान लेने से पहले तुम्हें खत्म करके समाज की आंखें हमेशा के लिए खोल जाऊं। सच मानो पुष्पा, मुझे कतई नहीं मालूम था कि तुम किसी दूसरे से प्यार। पता भी होता तो तुम ये 5 लाख रुपए छोड़ देते? नहीं, क्योंकि शादी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी नहीं थी जितने दहेज के ये 5 लाख रुपए। और ये रुपए तुम अपने साथ ले जाओगे। मैं अपनी जान लेने से पहले ये रुपए तुम्हारी लाश पर रखकर इस कमरे को आग लगा दूंगी। शादी का ये कमरा तुम्हारे लिए शमशान बन जाएगा। आ, छोड़ दे मुझे कमीने, मैं कहती तू मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं तुझे ये पैसे नहीं ले जाने दूंगी, मेरे जीते जी तू ये पैसे नहीं ले जा सकता, नहीं नहीं। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे गोली, बाबूजी तोड़ दे दरवाजे को, छोड़ो मास्क। चंपकलाल, तुम्हारी इकलौती बेटी के मरने के बाद तुम्हारी सारी खानदानी जायदाद के आधे हिस्से का मालिक अब दीपक होगा। क्या कहते हो? कानून यही कहता है। नहीं सॉलिसिटर, कुछ भी करो उसे एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। उसका एक ही रास्ता है। क्या? हमें अदालत में यह साबित करना होगा
कि दीपक ने पुष्पा का खून किया है। योर ऑनर, मुलजिम दीपक राय वालिया पर अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा के खून का इल्जाम है। खून की वजह दहेज के वो 5 लाख रुपए थे जो पुष्पा के पिता सेठ चंपकलाल ने शादी पर दीपक राय वालिया को देने का वादा किया था। योर ऑनर, शादी की रात को ही दीपक जब अपनी दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने जाते ही दहेज के 5 लाख रुपए मांगे। पुष्पा हैरान थी, दीपक ने उसका घूंघट तक नहीं खोला था, उससे बात तक नहीं की थी, उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। दीपक रुपए लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा, पुष्पा ने उसे रोकने की कोशिश की। इस हाथापाई में अलमारी खुल गई और ड्रॉर से पुष्पा का रिवॉल्वर निकलकर फर्श पर जा गिरा। दीपक ने फर्श पर से रिवॉल्वर उठाया और बड़ी बेरहमी से पुष्पा को गोली मार दी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मुलजिम पर लगाए इल्जामों को सबूतों और गवाहों के जरिए साबित करेगी ताकि अदालत मुलजिम को मुजरिम मानकर कड़ी से कड़ी सजा दे सके। थैंक यू योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल। योर ऑनर, मुलजिम की तरफ से मुकदमा मैं लड़ूंगा। नहीं योर ऑनर, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। दीपक तुम ये क्या? आई एम सॉरी अंकल। जज साहब, मैं अपना जुर्म मानता हूं, मुझे यह सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन शादी की शर्त के मुताबिक सबसे पहले वो 5 लाख रुपए मिलने चाहिए जो मेरे हैं और जिन पर मेरा हक है। अदालत के लिए यह बात काबिले गौर है योर ऑनर। ये आदमी फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार है, लेकिन दहेज के रुपए मिलने के बाद इससे साफ जाहिर है योर ऑनर कि सिर्फ रुपयों के लालच में ही इसने अपनी पत्नी का खून किया है। इसका इन रुपयों पर कोई हक नहीं, बल्कि रुपए मांगकर इसने जुर्म किया है, क्योंकि दहेज लेना जुर्म है। कौन कहता है कि दहेज लेना या देना जुर्म है? ये सिर्फ कानून कहता है, हमारा समाज इसको नहीं मानता। जज साहब, जैसा मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पिताजी की मौत के बाद उनकी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने उनके रिश्ते के लिए न जाने कितने ही घर ढूंढे, हर घर को लड़की पसंद थी, हमारा घराना पसंद था, हमारा खानदान पसंद था, लेकिन दहेज के बिना शादी करना किसी को मंजूर नहीं था। हर घर से सिर्फ एक ही आवाज आती थी, जज साहब, दहेज, दहेज कितना तोगे। मिस्टर दीपक राय, आप कबूल करते हैं कि आपने दहेज मांगा और आपने पुष्पा से शादी भी सिर्फ उन रुपयों के लिए की? जी हाँ, क्योंकि मेरी दोनों बहनों के ससुराल वालों ने 2.5-2.5 लाख रुपए मुझसे दहेज मांगा था जो मेरे पास नहीं था। ये झूठ है योर ऑनर। सारा शहर जानता है कि मुलजिम के पिता बहुत अमीर आदमी थे, अपनी बेटियों की शादी के लिए उन्हें रुपए की कोई कमी नहीं हो सकती थी। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूं योर ऑनर। मरहूम दौलत राय वालिया की सारी जायदाद, उनके सारे कानूनी और फाइनेंशियल कामों का जिम्मा मेरे सर पे था। यह चीज मैं अदालत में साबित कर सकता हूं कि मरहूम दौलत राय वालिया पर मरते वक्त 36,80,000 रुपए का कर्जा था। दीज आर द पेपर्स फॉर कोर्ट इंस्पेक्शन। उनकी सारी जायदाद, उनका दफ्तर, उनका मकान आज तक गिरवी पड़ा हुआ है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर दीपक राय, जब आपने अपनी बहनों की शादियां की तो आपको यह ख्याल नहीं आया कि जिस दिन असलियत जाहिर होगी उस दिन क्या होगा? असलियत ही तो खोटी निकली जज साहब, जिन पता किया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैंने अपनी बहनों की शादी मॉडर्न पढ़े लिखे लड़कों से इस उम्मीद पर तय की थी कि ये लोग नई पीढ़ी के, नई सोच के, नई तालीम के नौजवान हैं। एक अमेरिका से डिग्री हासिल करके आया है और दूसरा इंग्लैंड से। इन्हें भी दहेज चाहिए था, वो भी इनकी परवरिश और पढ़ाई पर खर्च किया गया सारा रुपया जो अपने ससुराल वालों से वसूल करना चाहते थे। जज साहब, दहेज कानून मना है, लेकिन फिर भी यह जुर्म हर शहर हर गांव में होता है, और अफसोस की बात तो यह है कि जुर्म करता कोई है और उसकी सजा उन मासूमों को भुगतनी पड़ती है जो मेरी और आपकी बहनें और बेटियां हैं। जज साहब, मैंने पुष्पा का खून किया या नहीं, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं अपना जुर्म मानता हूं और उसके लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन अदालत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ साथ इन्हें भी फांसी पर चढ़ाया जाए जिन्होंने दहेज के लिए मेरी बहनों को जिंदा जलाने की कोशिश की। जज साहब,
अगर अदालत इन्हें फांसी की सजा नहीं दे सकती तो मुझे फांसी का हुक्म सुनाने से पहले मेरा 5 लाख रुपया मुझे दिलवा दे, क्योंकि मैं इन सेठ लोगों को इनका 2.5 लाख रुपया दहेज देकर इनका मुंह बंद करना चाहता हूँ, ताकि ताकि मेरी बहनें अपने घर में सुख से रह सके। जज साहब, मेरा 5 लाख रुपया मुझे दिलवा दीजिए। मेरी अदालत से विनती है, मेरी शादी की शर्त थी वो, उस 5 लाख पर मेरा हक है। जज साहब, मेरा 5 लाख रुपया दिलवा दीजिए। मैं अदालत से और कुछ नहीं मांगता, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन मेरा 5 लाख रुपया मुझे दिलवा दीजिए। जज साहब, मेरा 5 लाख रुपया मुझे दिलवा दीजिए। अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को हुक्म देती है कि सेठ श्याम सुंदर और सेठ लक्ष्मी प्रसाद की इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। इस मुकदमे की सुनवाई कल फिर जारी रहेगी। मैंने आपको बताया कि अगर इंक्वायरी हुई तो हम लोग तो फंस जाएंगे। अरे आप घबराते क्यों हैं? हम अपने बेटों से गवाही दिलवा देंगे। क्या? यही कि बहुओं का चालचलन ठीक नहीं था, फिर ऐसी बहुओं घर पर रखता कौन है। अरे बेटे इधर आओ, देखो सुनो, अगर पुलिस की इंक्वायरी हुई तो तुम दोनों यही कहना कि बबलों का चरित्र ठीक नहीं था। बिल्कुल नहीं, अब उन पर हम झूठी तोहमत नहीं लगाएंगे। हमें तो पहले ही अपने किए बहुत शर्म आ रही है, दहेज समाज के लिए एक बहुत बड़ी लानत है। अब तो हम दीपक का साथ देंगे। क्या रख रहे हो, कमाल करते हो तुम। अरे वो तुम्हारी बहनों के साथ झूठे वादे करता रहा, दुनिया में लेकर उनको घूमता रहा। जरूर घूमता रहा, लेकिन सचमुच वो बहुत शरीफ और खानदानी लड़का है डैडी। उसकी जगह कोई और होता तो इस रिश्ते की आड़ में हमारे साथ कुछ भी कर सकता था। उसने जो कुछ भी किया अपनी बहनों की खुशी के लिए किया। डैडी, अब हम दीपक के हक में ही गवाही देंगे। अरे तो क्या अपने बाप को जेल भिजवाओगी? हम लोगों से चक्की पिसवाओगी क्या? पापों का प्रायश्चित करना अच्छा होता है पिताजी। दीपक मुझे माफ कर दो, मेरी जरा सी गलतफहमी से क्या हो गया? जो होना था वही हुआ शैला। मेरी तमन्ना है तुम और सुरेंद्र खुश रहो। तुम गलत समझ रहे हो दीपक, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा नाम लेकर मैं सारी जिंदगी काट लूंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। नहीं शैला, राम प्रसाद, शिव सुंदर, आप मेरी बहनों के साथ। दीपक, हमारी आंखों में पड़ा पर्दा हट गया, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। तो क्या सचमुच मेरी बहनें अपने ससुराल चली जाएंगी? हमने इनसे माफी मांग ली है। दीपक, आप हमारे खानदान में ना कोई दहेज लेगा ना कोई दहेज देगा। सच? भैया हमें माफ कर दो भैया। अब मुझे मरने का कोई काम नहीं। तो नहीं, आज तुम 2 हो, कल तुम्हारे साथ 2000 होंगे, परसों सारा देश दहेज के खिलाफ होगा। मेरा मरना सफल हो गया। नहीं, ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। माँ, मत बोल मुझे माँ, मैं तेरी माँ कहलाने के काबिल नहीं हूँ। नहीं माँ, रोते नहीं है, आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, देखना। देखा शैला, कितना खुश नसीब हूं मैं, मरने से पहले अपनी बहनों को फिर से उनके पतियों के साथ देख रहा हूं। भैया, तुम इस वकालतनामे पे साइन कर दो, तुम्हारा केस अंकल लड़ेंगे। नहीं पगली, केस तुम्हें जीत गया। सच? एक नहीं, 2 केस जीता हूं। गवाहों के बयानात, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट और सबसे बढ़कर मुल्जिम का इकरार जुर्म। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम दीपक राय वालिया ने सिर्फ दहेज की लालच में पुष्पा से शादी की। जिस रिवॉल्वर से पुष्पा का खून हुआ
उस पर दीपक ही की उंगलियों के निशान पाए गए और मौके वारदात पर भी रिवॉल्वर दीपक ही के हाथ में पाया गया। लिहाजा अदालत मुलजिम दीपक रायवालिया को पुष्पा का कातिल मानते हुए एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह इस कोर्ट में हाजिर हुआ है, उसकी गवाही इस मुकदमे का रुख पलट सकती है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि सजा देने से पहले इस गवाह को सुनने का मौका दिया जाए। मेरे गवाह है मिस्टर योगेश। आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, तो विटनेस बॉक्स में आइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर योगेश, क्या आपके पास कोई सबूत है कि पुष्पा का खून नहीं हुआ या पुष्पा का कातिल दीपक रायवालिया नहीं? जी हाँ, यही वो सबूत है जज साहब। इससे पहले कि एक बेगुनाह फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मैं चाहता हूं ये खत अदालत में पढ़कर सुनाया जाए। ये खत किसका है? पुष्पा का जज साहब। उसकी शादी की खबर सुनते ही मैं शहर से बाहर चला गया था। आज लौटा तो ये खत मिला जो उसने अपनी शादी से पहले मुझे लिखा था। पुष्पा के पिता से तस्दीक कराई जाए कि ये लिखाई पुष्पा की है। योर ऑनर, ये लिखाई पुष्पा की है। पढ़ा जाए। मेरे सिर्फ मेरे योगेश, पिताजी की जिद मुझे दुल्हन बनने पर मजबूर कर रही है, लेकिन मेरा तन मन सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे अलावा कोई मुझे छुए उससे पहले मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। जब तुम्हें खत मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अब हम अगले जन्म में मिलेंगे, तुम्हारी पुष्पा। इस केस में मुल्जिम दीपक रायवालिया पर दो इल्जाम लगाए गए। एक तो ये कि उसने दहेज लिया, दूसरा ये कि उसने अपनी पत्नी का खून किया। दहेज मांगा, उसके सबूत मिले। दहेज लिया, उसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि अदालत की नजर में पुष्पा का खून दीपक रायवालिया ने नहीं किया बल्कि पुष्पा ने आत्महत्या की। इसलिए अदालत दीपक रायवालिया को बाइज्जत रिहा करती है। भाईजान, भाईजान जरा उधर भी। माँ जी, ये मैंने शैला की शादी के लिए जमा किया था, शगुन के तौर पे इसे स्वीकार कीजिए। नहीं भाई साहब, शगुन के नाम पर दहेज देना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं बेटा, इससे बड़ा दहेज और हमें क्या मिल सकता है? हमें हमारी बहू शैला मिल गई।